You're watching Today Express News। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पूरे देश में स्वच्छ भारत की मुहिम चलाई हुई है, वहीं सरकार के आला अफसर इस मुहिम को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला फरीदाबाद के लघु सचिवालय का है, जहां सरेआम गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि डिप्टी कमिश्नर से लेकर जिले के तमाम आला अधिकारियों के कार्यालय यहां पर हैं, लेकिन इन अधिकारियों की नाक के नीचे लघु सचिवालय के प्रांगण में गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। वहीं इस बिल्डिंग के अंदर बने टॉयलेट्स इतने गंदे हैं कि वहां जानवर भी जाना पसंद ना करे। लघु सचिवालय की यह दूसरी इमारत है जहां SDM समेत कई आला अधिकारियों के कार्यालय हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट की हालत को देखकर आप खुद समझ लेंगे कि हालत कितने बद से बदतर हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ चिराग तले अंधेरा जैसी कहावत चितार्थ होती है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। लोगों का कहना था कि इन अधिकारियों को स्वच्छ भारत की मुहिम से कुछ भी लेना देना नहीं है। लघु सचिवालय में आने वाले लोग हर रोज़ इस गंदगी को देखकर तौबा तौबा करते हैं, लेकिन AC में बैठे इन आला अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। सभी हर जगह कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी का जैसे कोई काम नहीं है। पानी की सुविधा नहीं है, बात वगैरह वो सुन देखा सारे पहले वगैरह सब कुछ गंदगी का और कोर्ट परिसर में इस तरह की गंदगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे DC बैठते हैं, इतने सारे अधिकारी बैठते हैं, दिया तले अंधेरा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सब पूरा स्टाफ बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा, उन्हीं की तरफ उनके ऑफिस के नीचे गंदगी हुई है। सर हमने कई बार कंप्लेंट भी की हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, कार्रवाई करेंगे, कह के टाल देते हैं बात। क्या ज्ञान से कोई कार्रवाई नहीं होती थी कि एप्लीकेशन भी चलती रहती है, देते रही कोई ना कोई तो काम होता ही नहीं यहाँ। मतलब कोई भी सफाई नहीं होती,